नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का री एग्ज़ाम हो गया। उसका रिजल्ट कब तक आएगा? क्या जाएगी कट ऑफ? हमने पुलिस परीक्षा का एग्ज़ाम दिया तो मेरे कितने स्कोर बन रहे हैं और कितनी कट ऑफ जा सकती है, पूरा आज की वीडियो में आप लोगों से हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा हुई थी 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को संपादित हुई थी। इसमें दोस्तों 60,244 पद हैं। कितनी आप लोगों की कट ऑफ जा सकती है, कितने नंबर वाले सेफ हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी कल का ट्वीट देखे होंगे, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि अक्टूबर में हर हाल में रिजल्ट आप लोगों का जारी हो जाना चाहिए। तो रिजल्ट को लेकर के जो दुविधा है आप लोगों की ख़त्म हो ही गई होगी कि रिजल्ट हर हाल में आप लोगों का इस अक्टूबर महीने में जारी हो जाएगा। लेकिन कट ऑफ कितनी जाएगी, इस पर अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम अपना बताएँ तो यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का एग्ज़ाम हमने दिया था। हमारे दोस्तों 125 क्वेश्चंस ठीक हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में, जो पहले जो आप लोगों की आंसर की आई थी उसके अनुसार हमने मिलाया था। अब उसके अनुसार हम बता दें कि इसकी जो कट ऑफ है 240 चली जाएगी या 230 चली जाएगी, तो ये सरासर गलती होगी। एक मिनिमम दोस्तों परीक्षा को पास करने के लिए, जहाँ तक कि और परीक्षाओं का हमने एनालिसिस किया, अगर 60 से 65%, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, कि हर परीक्षा में अगर आप 60 से 65% अगर नंबर लाते हैं तो आप अपने आप को क्वालिफाइड समझ लीजिएगा। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो आपका 150 टोटल आपके क्वेश्चंस हैं, अगर इसमें से अगर मैं 65% मान लूँ, 65% अगर मैं इसका निकालता हूँ, तो आपके 97 या 98 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक बैठ रहे हैं और आप किसी रिजर्वेशन से कैटेगरी से हैं, यानी कि अगर मैं पिछड़ी से बात करूँ, तो श्योर है कि आपको रनिंग के लिए 100% बुला लिया जाएगा। दोस्तों 60,244 वैकेंसी कम नहीं है और इस बार का पेपर का लेवल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैथ के कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न थे कि टीचर देख करके स्वयं उन्होंने बोला कि ये प्रश्न छोड़ने लायक है, यानी कि इस प्रश्न को करने में समय लग सकता है। तो जब टीचरों के लिए, जो टीचर हर दिन पढ़ा रहे हैं, उनके लिए जब वो प्रश्न कठिन थे और हर पाली में 4 से 5 क्वेश्चंस आपके कठिन आ ही रहे थे हर हाल में, तो उसके आधार पर मेरा मानना है कि अगर आप जनरल के हैं और आपके 103 क्वेश्चंस या 101 क्वेश्चंस अगर सही बन रहे हैं, तो सिक्योर है दोस्तों कि आप का सिलेक्शन पक्का है और आप रनिंग अपना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 98 क्वेश्चंस अगर आपके काट पीट करके अगर आपके सही बन रहे हैं, तो 100% दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का है, यकीन करिएगा। बाकी आपके कितने स्कोर बन रहे हैं कमेंट में अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हमें भी पता लगे कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। दोस्तों हमारे 125 क्वेश्चंस ठीक थे, अभी फाइनल आंसर की के आने के बाद अब जितना हो। नमस्कार।